फ्रेंड्स, टॉपर्स इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने संबंधित नियम के बारे में यानी कि रूल्स के बारे में बताया है, उसके बाद कई सारे सेंटेंसेस को भी आपको कन्वर्ट करके यानी कि चेंज करके दिखाया है। ऐसे सेंटेंस जो कि टेंस पर आधारित हैं या फिर उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज है, तो ऐसे सेंटेंसेज को मैंने पहले ही आपको चेंज करके बताया है कि कैसे आसान ट्रिक से उसे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज मैं कुछ खास बताने जा रहा हूं जो कि जनरली आपको नहीं बताया जाता। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस है, जिस सेंटेंस से आप किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिस सेंटेंस के थ्रू आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर सलाह देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से बदला जाए, वो भी आसान तरीके से। तो यही मैं आसान ट्रिक आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। और एक बार इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो शायद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश बाय जेपी सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ऊपर में आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, और यहाँ मार्क भी कर दिया है जिसमें आर क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है मेन वर्ब है, फोर्थ फॉर्म है जिसे वी फोर कहते हैं, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले किसी सेंटेंस को जब आप पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा, पहले ये तय करना पड़ेगा, तब आसानी से आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए कि जब एक बार ये तय हो गया है तो इसे चेंज करना कितना आसान है, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज होता है इसमें दो तरह के सेंटेंस होता है, एक में तो आप क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि आर यू प्लेइंग फुटबॉल, इसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका अगर कोई आंसर देगा, इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो यस या नो में देगा। अगर कोई सेंटेंस में आंसर चाहते हैं तो उसके लिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे बताऊँगा, जो हु विच वाट इस तरह से जो आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें सेंटेंस में आंसर होता है, लेकिन इसे कहते हैं जब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करके कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये यस नो क्वेश्चन का है, इसके बाद मैं आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन को भी चेंज करना सिखाऊंगा। तो अब देखिए कितना आसान है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सीधे सीधे देखिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले आके खड़ा हो गया। अब देखिए कि यहाँ जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये फुटबॉल, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह है, तो आपको पता है कि जब पैसिव में बदलते हैं तो ये ऑब्जेक्ट की जगह जो होता है सो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। क्योंकि ये सेंटेंस आप पहचानिए कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, इसीलिए इसमें लग जाता है बीइंग, यानी कि मेन वर्ब लगाने से पहले इसमें लग जाता है बीइंग, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बीइंग, और बीइंग के बाद आपने प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, यानी कि पैसिव वॉइस में जहाँ भी मेन वर्ब का यूज होता है वो थर्ड फॉर्म में ही यूज होता है। उसके बाद सिंपल है, बाय लग जाता है प्रेपोजिशन, और उसके बाद जो एक्टिव का जो यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हैं वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, या जिसमें बीन लगता है जिस टेंस में तो वहाँ बीन आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट। आसान लगाना, ये आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, आप भी ऐसे मार्क करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आइए दूसरा सेंटेंस मैं बताता हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं डिड यू ईट एन एप्पल, क्या गेस कर सकते हैं ये कौन सा टेंस है? तो दोस्तों अगर गेस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये डिड जब ही लगा है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब सिंपल पास्ट टेंस को जब भी उसको बदलेंगे पैसिव में, तो आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि अगर डू डज रहता है प्रेजेंट में तो उसके बदले इज आर एम लगाते हैं, और डिड है तो उसके लिए वाज वर लगाते हैं। और वाज वर किसके हिसाब से लगेगा? तो जो सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। तो अब यहाँ देखिए डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, और इट क्या है? मेन वर्ब है, और एप्पल ऑब्जेक्ट है। अब तो आसान है इसे चेंज करना, डिड के बदले में यहाँ लगा दिए वाज। अब वाज क्यों लगाए इसका रीजन दे रहा हूँ कि एप्पल यहाँ देख रहे हैं कि एप्पल ऑब्जेक्ट की जगह है, तो एप्पल आ गया सब्जेक्ट की जगह, तो एप्पल सिंगुलर है इसलिए यहाँ वाज लगा। क्योंकि जो पैसिव में बदलते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के हिसाब से वो गाइड होता है, उसी के हिसाब से वो ऑक्सिलरी वर्ब आता है। अब देखिए इसके बाद सिंपल है, ये ईट है तो ये इसका थर्ड फॉर्म ईटन हो गया, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि बाय जो यहाँ यू आपको दिख रहा है सब्जेक्ट की जगह, ये आ गया ऑब्जेक्ट की जगह। तो आप देखिए कि इस तरह से अब ये हुआ कि वाज एन एप्पल ईटन बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वैसे ही रहेगा। तो आप देख लिए। अब आपको मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज है, शायद आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, एक बार मैं इसलिए बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, शुड द डॉक्टर एग्जामिन ही। तो दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए, ये कितना आसान है। सबसे पहले देखिए मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हुआ है, शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये। इसके बाद डॉक्टर सब्जेक्ट है, एग्जामिन मेन वर्ब है, और हिम ऑब्जेक्ट है। अब इसमें भी क्या है, जैसे पहले बताया है शुड जो है अपनी जगह आ गया यहाँ पर शुरू में। इसके बाद देखिए जो हीम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ही के रूप में सब्जेक्ट के रूप में आ गया। इसमें जो आप एक वर्ड जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे बी, जो यहाँ पर आप बी देख रहे हैं बी जोड़ देंगे। अब बी के बाद एग्जामिन है तो उसका थर्ड फॉर्म ही आएगा पैसिव में। अब फिर जो बाय और उसके बाद जो इसका ये सब्जेक्ट यहाँ डॉक्टर था, तो डॉक्टर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और नीचे फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। तो इस तरह से आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। अब पैसिव वॉइस डब्ल्यू एच क्वेश्चन को किस तरह से बदलेंगे, तो ऊपर देख सकते हैं हु, विच, हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, हाउ, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड है, इसलिए इस सबको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहा जाता है, और इसका आंसर जो होता है फुल लेंथ होता है, इसलिए इसको थोड़ा अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके लिए ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक सबसे पहले मैं आसानी से बता देता हूँ कि कैसे आप आसानी से इसे सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। अब देखिए वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, ये एक्टिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस में है, यहाँ देखिए अगर वेयर को हटा दें इसमें से, पहले वेयर को हटा देते हैं डब्ल्यू एच वर्ड को, तो अब स्टेप वन में देखिए ये क्या हो जाएगा, डिड यू फाइंड दिस बुक। तो वेयर हटाने से ये इंट्रोगेटिव में ही है, लेकिन अब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, डिड यू फाइंड दिस बुक, जैसा कि यस नो क्वेश्चन में आपने देखा था उस तरह का सेंटेंस बन गया, ये भी एक्टिव में ही है। अब स्टेप टू में आइए। स्टेप टू में अब पहले इसको बदल लेते हैं, इसको तो आसानी से बदल लेंगे, डिड है तो उसके बदले यहाँ वाज हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ जो दिस बुक है, दिस बुक क्या है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वाज के बाद सब्जेक्ट आएगा। अब फिर यहाँ पर फाइंड, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंड, और यू की यहाँ ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है। तो अब देखिए पैसिव में आपने बदल दिया, ये सेंटेंस यहाँ आसानी से पैसिव में बदल गया। अब पैसिव में बदल गया तो क्या है, वॉज से पहले वेयर को जोड़ दीजिए। अब थर्ड स्टेप देखिए, वेयर वॉज दिस बुक फाउंड क्वेश्चन मार्क, बस हुआ क्या हुआ इसमें, बस इतना किया कि वेयर को अब उसके बाद लगा दिए। इस तरह से अगर कितना भी डिफिकल्ट सेंटेंस रहे तो इस तरह से आप उसको पहले डब्ल्यू एच वर्ड को हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस को चेंज कर लीजिए, और लास्ट में जो डब्ल्यू एच वर्ड का जो भी फॉर्म आता है वो वहाँ पर लगा दीजिए शुरू में। हो गया, पैसिव वॉइस बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ और एग्जांपल देने जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए हु इज गिविंग ए स्पीच, पहले इसमें पहचानिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप पहचानेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर हु है, इज ऑक्सिलरी वर्ब, गिविंग V4
वर्ब का चौथा रूप और स्पीच क्या है तो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए हु का क्या हो गया, बाय हुम, सीधे हु का बाय हुम। अब देखिए जो पहले ट्रिक बताया है वही ट्रिक अब यहाँ से लगा देंगे, इज उसके बाद इज आ जाएगा, फिर जो एक्टिव वॉइस में देख रहे हैं स्पीच है वो ऑब्जेक्ट की जगह है तो इज के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। और इसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसलिए यहाँ पर हमको लगाना है बीइंग, और इसके बाद क्या बच गया गिविंग, तो गिविंग पता है कि भी फोर है लेकिन पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो किसी भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया, बाय होम इज स्पीच बीइंग गिवन, इसका फॉर्मूला भी आपको दिखा दिया है यहाँ पर। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हाउ डज ही ड्राइव द कार, हाउ डज ही ड्राइव द कार, पहले टेंस पता लगाइए, ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसके आप स्ट्रक्चर सबसे पहले देखिए हाउ को हटा दीजिए, तो इसके हाउ को पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन को हटा दीजिए, तो यहाँ देखिए डज है ऑक्सिलरी वर्ब, ही है सब्जेक्ट, ड्राइव है मेन वर्ब और द कार क्या है ऑब्जेक्ट है। तो अब सबसे पहले हाउ को वैसे कि वैसे उतार दीजिए यहाँ पर, तो हाउ अपने जगह पर शुरू में आ जाएगा। इसके बाद देखिए डज रहता है तो आपको इससे पहले वीडियो बताया है कि उसके बदले इज आर एम आता है, तो चूंकि ये कार यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है तो ई यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा कार, तो ये सिंगुलर है तो इसीलिए इससे पहले हम इज लगा देंगे। तो अब क्या होगा, हाउ इज द कार। इसके बाद ये ड्राइव जो यहाँ पर वर्ब है वी वन है फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगा ड्राइवन, और उसके बाद तो ही है तो इसका बाय हिम जो यहाँ सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और नीचे इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अब आइए पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है इसे भी बदलना, जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान ट्रिक है। पहला लीजिए इम्पेरेटिव वर्ब है पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर यानी कि लेटर को पोस्ट कर दो। अब यहाँ पर देखिए ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले लगा देते हैं लेट, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, शुरू में लेट लगा देते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में द लेटर, तो पैसिव में ये आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में लेट के बाद सब्जेक्ट आएगा तो द लेटर आ जाएगा। इसके बाद जो एक वर्ड आपको जोड़ देना है बी, तो अब क्या हो गया द लेटर बी, और यहाँ पोस्ट देखिए फर्स्ट फॉर्म में है तो यहाँ इसका थर्ड फॉर्म हो गया वी थ्री हो गया। अब कितना आसान है, लेट द लेटर बी पोस्टेड, अब ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड, तो सिंपल है इसको बनाना। अब मान लीजिए कि आप ये तो अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट और कमांड या ऑर्डर दोनों होता है, तो अब ये देखते हैं कि अगर ये रिक्वेस्ट है तो इसका किस तरह से बनेगा, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो इस तरह का सेंटेंस होता है लेट से शुरू करते हैं तो लेट और बी के बीच में सब्जेक्ट आता है और एंड में वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। अब ये देखिए दूसरा रूल कहता है एन इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद प्लीज काइंडली फॉलो द स्ट्रक्चर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वी वन इन पैसिव वॉइस। देखिए जब अगर मान लीजिए कि जो उसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप वहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए, लेकिन एडवाइस दे रहे हैं तो कहता है डजंट बिगिन लेट बट शुड प्लस बी प्लस वी थ्री, तब आप उसमें शुड का यूज कीजिए। सबसे पहले मैं आपको फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ, वहाँ तो लेट से भी बनाए और इसके दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो जैसे गेट आउट ऑफ माई साइट, तो गेट आउट ऑफ माई साइट यहाँ देखिए मेन वर्ब शुरू में ही है तो इसको तो बनाना चुटकी का खेल है, यहाँ देखिए उसको बदल देंगे, शुरू में क्या लगा देंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, और यहाँ जो आपने गेट देखा है तो गेट के पहले लगा देंगे टू, अब फिर बाकी सेंटेंस को कॉपी कर देंगे यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ माई साइट, तो बन गया ये आसानी से। अब देखिए प्लीज ओपन द डोर, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस कह रहा है कि रिक्वेस्ट है, तो यहाँ भी देखिए ओपन क्या है वर्ब है, अब प्लीज को हटा देंगे, प्लीज के बदले लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और यहाँ जो वर्ब आपने देखा इससे पहले इन्फिनिटिव टू जोड़ देंगे, इन्फिनिटिव
टू जोड़ देंगे और उसके बाद सेंटेंस को एज यूजुअल वहाँ पर लिख देंगे। तो प्लीज़ ओपन द डोर, इसका पैसिव क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये हो गया। इसके बाद एक एडवाइस है, लव द चिल्ड्रेन। अब यहाँ एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस दे रहे हैं तो इसमें शुड का जनरल यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, लव द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। अब यहाँ चिल्ड्रेन क्या है, सब्जेक्ट की जगह आ गया। अब बीच में यहाँ पे लगा देंगे शुड बी, एडवाइस है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे शुड बी। और उसके बाद लव्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, चूँकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, यह ट्रिक आपके समझ में आ गया होगा। अब आप कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा समझना, और किसी भी चैलेंज को आप आसानी से फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा और वहाँ आपसे मैं प्रश्न भी पूछूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।